देखिए, जो आगम शास्त्र हैं और जो हमारी वैदिक परंपरा है और जो गुरुओं की पुरातन परंपरा है, उसके अनुसार जो भगवती की साधना होती है वो अपने कुल परंपरा के आधार पर होती है। प्रत्येक कुल में कोई भगवती का या कोई देवी देवता का एक मुख्य स्वरूप होता है, जिसे हम कुल देवता कहते हैं। और कुल देवता की जो प्रमुख उपासना है, वह उपासना या तो अष्टमी तिथि को या नवमी तिथि को की जाती है, और अपने घरों में कुल परंपरा से उसकी उपासना होती है। घर के जो बुजुर्ग होते हैं या घर का जो प्रमुख केंद्र होता है, वहां पर कुल देवता की पूजा होती है। तो कुछ स्थानों पर दिन में जब अष्टमी व्याप्त होती है उस दिन की जाती है, और कुछ स्थानों पर रात्रिकालीन पूजा की जाती है। तो जैसी कुल की परंपरा हो उसी का पालन करते हुए कुल देवी का पूजन होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, अष्टमी तिथि और नवमी तिथि, इन दोनों के संयोग में हवन की पद्धति होना चाहिए। अर्थात अष्टमी तिथि में हवन प्रारंभ हो और नवमी तिथि में हवन की पूर्णाहुति हो, तब जाकर के नवरात्रि व्रत और नवरात्रि की उपासना पूर्ण होती है। कौन सा मंत्र जपना? तो मंत्र वही श्रेष्ठतम होता है। भगवती पार्वती जी ने भगवान शंकर से अपने पुत्रों के मोह के साथ में अनेक मंत्र पूछे, इनका कल्याण कैसे होगा, कैसे मैं अपने बच्चों को कुछ आनंद में ला सकती हूँ, आदि आदि बहुत से प्रश्न पूछे। और भगवान शंकर ने बड़े प्रसन्नता से देवी जी को लगभग 1 करोड़ से ऊपर मंत्र बताए। जब उन्हें ये पता चला कि मैं इतने मंत्र बता चुका हूँ, इनका दुरुपयोग न हो, तो भगवान शंकर जी ने सारे मंत्रों को कीलित कर दिया, सारे मंत्र बंद कर दिए, ताला लगा दिया। अब ताला लगा दिया तो फिर भगवती को एकदम पता चला कि ये क्या कर दिया भगवान, मैंने तो आपको अपने बच्चों के कल्याण के लिए पूछा था, आपने ऐसा क्या किया। तो भगवान शंकर ने उन्हें समझाया, देखो देवी, इसका दुरुपयोग न हो, मंत्रों का दुरुपयोग न हो, क्योंकि व्यक्ति में इतनी धैर्यता नहीं है कि वो मंत्रों का सही प्रयोग कर सके। तो मंत्रों को कुछ भी दुरुपयोग करने के लिए वो स्वतंत्र हो जाएगा, इसलिए मैंने उनको बांध दिया है। पर तुम्हारे प्रेम से मैं ये बता देता हूं कि इसकी चाबी मैंने गुरु के हाथ में दी है। इसलिए किसी भी देवता का मंत्र जो हम लोगों ने गुरु के माध्यम से ग्रहण किया है, उस मंत्र का अधिक से अधिक और प्रतिदिन एक निश्चित समय और निश्चित सीमा में जप होना चाहिए। नवरात्रि की एक सीमा सुनिश्चित होना चाहिए कि हम 9 दिन में इतना जप कर लेंगे। और इसका सीधा सा प्रमाण ये है कि जितने अक्षर का मंत्र है उतने 1000 जप हमको करना है। मान लीजिए 9 अक्षर का मंत्र है, उदाहरण के लिए नवारण मंत्र है, तो 9000 जप कम से कम हमको 9 दिन में कर लेना चाहिए। अधिकस्य अधिकम फलम, जितना आप अधिक से अधिक करेंगे उतना माई की कृपा विशेष रूप से आपको प्राप्त होगी। तो हम अपने इष्ट मंत्र का जप करें। हम नवरात्रि में ज्वारे इत्यादि वो हैं जो प्रकृति के साथ में हमारा तादात्म्य स्थापित करने का प्रतीक है, और विशेष अनुष्ठान इत्यादि जो करें। कुछ लोग जो सामर्थ्यशाली हैं वो श्रेष्ठ योग्य विद्वानों के माध्यम से भी नवरात्रि का अनुष्ठान करा सकते हैं। एक बात और ध्यान रखें, अनेक प्रश्न अभी यहाँ पर कुछ 5-7 लोगों ने ये प्रश्न भी उपस्थित किया कि हमारे घर में विगत महीनों में किसी प्रकार का अशौच हो गया था, तो हम नवरात्रि करें या ना करें। ध्यान रखें कि सपिंडन श्राद्ध के पश्चात कोई भी धार्मिक अनुष्ठान बाधित नहीं होता है। नंबर 2, जो धार्मिक अनुष्ठान है उसमें शक्ति पूजा कभी भी खंडित नहीं की जाती है, क्योंकि ये कुल देवी का पूजन है। इसलिए आप जो भी अपने उत्कर्ष के लिए प्रयास कर रहे हैं, हम ये कोशिश करें कि भगवती के नवरात्रि में अनुष्ठान करते हुए शारदीय नवरात्रि में हम सबकी कामना माँ पूर्ण करें, ये भाव से अबोध बच्चे बनकर के भगवती माई की उपासना करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, माई का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे।